हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कार गीक्स। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। सो कॉफी टाइम के बाद निकला हूँ यार। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जितने भी लोगों के क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग विंड बूस्टर की परफॉर्मेंस, तो आज हम एक परफॉर्मेंस चेक करेंगे। हम मिलते हैं आपको सीधा अभिषेक भैया के पास। सो भाई लोग फाइनली पहुंच गए अभिषेक भैया के पास। अभिषेक भैया हाय। हेलो एवरीवन, क्या हाल है? एकदम बढ़िया, आप बताओ। बताओ फिर आज कैसे हम परफॉर्मेंस चेक करा रहे हैं ये बताओ। आज वही 0 to 100 कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या आता है रिजल्ट। नॉर्मल पे, रेस पे, ड्रैग पे, सब पे ट्राई कर लेंगे, पता चल ही जाएगा क्या आ रहा है, कुछ है कि नहीं इम्प्रूवमेंट, ये भी पता चल जाएगा। ये भी सही। तो यार हम इससे पता करेंगे। तो यार ये बताओ क्या है भैया? ये ओबीडी डिवाइस है, जो कि ओबीडी से आपका एचयूडी कहते हैं इसको, हेड यूनिट डिस्प्ले कहते हैं। ये ओबीडी के साथ कनेक्ट हो जाता है। अल्टीमेटली इसके अंदर कई सारे फीचर्स होते हैं, बट हम लोग जो आज टेस्ट करेंगे मोस्टली वो 0 to 100 वाला टेस्ट करेंगे। उसमें एक्सेलरेशन टेस्ट, तो ये आपका कहते हैं 0 to 100 के लिए है, ऑलरेडी ऑप्शन है। okay. तो ये एक्सीलरेशन टेस्ट पूरा कहते हैं, आपको बता देगा। ये हम देखते हैं 0 to 100 के क्या टाइमिंग आता है नॉर्मल गाड़ी के मोड पे। हाँ, और अपने विंड बूस्टर के रेस 9 ड्राइव टाइप्स वाले मोड। हाँ, ये दोनों पावर मोड चेक कर लेंगे, इतने में काफी कुछ हमको आइडिया हो जाएगा। निकल गाइज। अभी हमने टेस्ट किया था इस पे रेस 9 मोड ना। हाँ, रेस 9 किया था, जो जिस पे 0 to 100 हमारा आया 9.1 सेकंड। हाँ, अब हम क्या कर रहे हैं नॉर्मल के ड्रैग मोड, ठीक है। अब हम ड्रैग टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। वो खतरनाक व्हील स्पिन भाई की। वाओ, इंप्रेसिव, 8.9 सेकंड्स। So guys, that was drag mode, 8.9 seconds. अब हम आ गए हैं विंड बूस्टर के नॉर्मल मोड पे, विच इज कार का स्टॉक ट्यून जो है। सो गाइज, दिस टाइम हम गाड़ी का नॉर्मल जो ट्यून है वो चेक करेंगे। हमने उसको डाल दिया विंड बूस्टर को नॉर्मल मोड पे। चलो भैया, ग्राफ देखो क्या डिफरेंस समझ आ रहा होगा ग्राफ देख के। तीनों के आपने रिजल्ट देखे कैसे ग्राफ आगे बढ़ रहा था, क्या हमारा 0 to 100 टाइम आया। तो बेस्ट आया हमारा ड्रैग पे, विच वॉज 8.9 सेकेंड्स। फिर हमारा आया रेस 9 पे, दैट वॉज 9.1 सेकेंड्स। एंड जो गाड़ी का जो इसका ओरिजिनल है वो कितना आया, 11.6 सेकंड्स। हाँ, लेकिन 10.9 लास्ट टाइम आया था। वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। मेनली क्या होता है, जब आप कहते हैं लॉन्च अगर परफेक्ट मिल जाए 2-3 बार ट्राई करने पे, तो 10.9 अभी तक मेरे को मिल चुका है उसका। आज का जो रिजल्ट मिला है मुझे ड्रैग और रेस पे, वो दैट वाज द बेस्ट टिल डेट, क्योंकि अभी तक मेरे को 9.2 से नीचे नहीं आए थे। आज कहते हैं टेस्ट करने के बाद काफी कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा मुझे। इवन मैंने फिल्टर्स को भी सही किया था, थोड़ा सा कहते क्लीन वगैरह क्लीन किया था मैंने फिल्टर्स को, क्योंकि उस बार मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था कि 9.4 क्यों आया था। तो सारे गेम के फिल्टर्स है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो उसको जरूरत थी सांस लेने की। तो आज सब कुछ चेंज था, तो वी गेट द बेस्ट रिजल्ट। इवन ऑनलाइन भी अगर हम चेक करते हैं इसका, तो ऑटो कार ने शायद 10.9 ही कहा है इसका 0 to 100। अच्छा, सो ओवरऑल देयर इज एन इंक्रीज, तो दिख ही रहा है। हाँ नहीं, वो तो थोड़ा गाड़ी का नॉर्मल वेयर एंड टियर भी हुआ है, तो यार एग्जैक्ट वो ऑब्वियसली दिस हैज डन ऑलरेडी 131,000 किलोमीटर्स। नो यार, कितना 131,000। वाओ, बहुत होता है यार इतना गाड़ी के लिए। So, यार एक चीज तो क्लियर हो गई है भैया कि विंड बूस्टर जो वैल्यू ऐड कर रहा है परफॉर्मेंस में, आई थिंक दैट्स द इजीएस्ट बेस्ट इन द मार्केट राइट नाउ। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि मतलब आप कराने को डीजल गाड़ी में डीजल टॉनिक करा सकते हो, रीमैप करा सकते हो, बट वो थोड़ा एक्सटेंसिव चीजें हैं। मतलब जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे बहुत कुछ बदलना पड़ता है, बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है उसके लिए। ओवरऑल फिर भी आपको ये जरूरत पड़ेगा ही, उसके टोटल मैप तो चाहिए ही चाहिए आपको, चाहे कोई भी। अगर इवन आप रीमैप भी करा रहे हो, कोई पिगी बैग भी लगा रहे हो, तो भी अल्टीमेटली यू नीड दिस थ्रॉटल मैप्स, बिकॉज इंस्टेंट एक्सेलरेशन कैन बी अचीव्ड बाय थ्रॉटल कंट्रोलर। सो मेरे हिसाब से तो मतलब यू कैन एंजॉय द ड्राइविंग,
it will make you always whenever you drive your car you will have a smile on your face. ये तो true है। that's the main thing. मेरा तो यही कहना है। I can tell this better क्योंकि मैंने ये Fortuner में भी try करा मेरी, मैंने Thar में भी try करा मेरी, तो जो वो difference of एकदम गाड़ी एकदम peppy हो जाती है ना, और वो response वैसा करती है जो जैसा आप एक्सपेक्ट नहीं करते यूजुअली उससे. इवन मैं अभी तुम्हारी याद हो तो एक मोमेंट्स होता है ना, मैं कहता हूँ ये क्या है, अल्टीमेटली हमें एक मोमेंट्स बनाने के लिए मौका दे रहा है. हम लोग याद करते हैं ना, राइट. जैसे आपने कहते याद करो पिछली बार जब आए थे तो हम लोगों की बात हुई थी उनसे जो हमारे कंपास के पुराने ओनर थे, आपने अपना एक इंस्टेंस दिया था, मैंने उसकी वीडियो बना रखी है, वो मोमेंट्स टू रिमेम्बर करके फिर से हम डालेंगे इंस्टा पे, रील पे डालेंगे. तो वो सारे मोमेंट्स जो है ना वो कैप्चर कर सकते हैं ना, तभी तो याद रहेगा. जब कुछ है ही नहीं, नॉर्मल है गाड़ी, तो फिर क्या जरूरत. वो कहते हैं ना नॉर्मल जिंदगी और एक मेंटोस जिंदगी. तो बस उसी तरीके का. बढ़िया यार, ये डिवाइस भी अच्छा लगा मेरे को. मैं इसको कहीं ले जाता हूँ. हाँ, लेफ्ट राइट कर रहा हूँ. अच्छा, मैं इसको लेफ्ट राइट कर रहा हूँ. लेफ्ट राइट से आपके पैरामीटर्स चेंज होते हैं. लेफ्ट राइट करो, देखो उसका कहते हैं अभी जैसे 30. हाँ, देख लियो वोल्टेज का दिखा रहा है. जैसे यहाँ पे अभी वोल्टेज आ रहे हैं बैटरी का. आप उसको उधर आगे करो, राइट की तरफ. नहीं वो तो दबा नहीं, 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 मैं तो मोड ही देख रहा हूँ. अच्छा आप फाड़ो. इसमें क्या है, मिनट्स है, डिस्टेंस है, जीपीएस का है, कितना सिंगल स्ट्रेंथ है, बाकी वोल्टेज है, ये स्पीड और आरपीएम तो कांस्टेंट है. हाँ वो तो मिल जाएगा. जिस पे ये आपको कंपास भी आ रहा है. कंपास भी आ रहा है क्या इस पे, वो भी बताता है क्या, एलिवेशन भी बताएगा क्या. दबाए रहो थोड़ी देर. हाँ आवाज आएगा वापस. हाँ एलिवेशन का भी तो है ना इसमें. आगे चलो आप, और आगे चलो, और आगे चलो, और आगे चलो. ये आपका टर्बो वाला हो गया. हाँ ये टर्बो है. ठीक है आगे बढ़िया. फिर ये एलिवेशन का है जो भी. अच्छा, हाँ, ये एक बार कैलिब्रेट करना पड़ेगा. कैलिब्रेट करना पड़ेगा. हाँ कैलिब्रेट फर्स्ट टाइम करना पड़ेगा, अभी तक मैंने किया नहीं. ये जी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स बताता है आपका. ठीक है, इसके बाद इसमें मल्टीपल डायल्स आ जाते हैं कि भाई अपने हिसाब से देख ले. मुझे इससे बेटर नेक्स्ट वाली स्क्रीन लगती है मेरे को. ये देख के ना वो फास्ट एंड फ्यूरियस वाले. हाँ तो वो सारे लगाने हैं मुझे भी. मन तो है मेरा, मैं ढूंढ रहा हूँ कि अच्छी क्वालिटी मेरे को जब भी लगे मैं जरूर लगाऊंगा. स्पीड आरपीएम, ये ईसीटी क्या होता है भैया? ईसीटी आपका शायद इंजन कूलेंट टेम्परेचर है. कूलेंट टेम्परेचर. हाँ ये आपका एयर फ्यूल मिक्सचर है. हाँ एयर फ्यूल मिक्सचर है. फिर ये क्या है, डायरेक्शन है. ठीक है. अच्छा डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट. हाँ ये बैटरी वोल्टेज होगा है ना. हाँ बैटरी वोल्टेज है. फिर आपका डीसीपी वही टर्बो हो गया, डिस्टेंस हो गया, मिनट हो गया. इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं. ये अब ईसीटी आ गया आपका. वही ईसीटी तो खैर कूलेंट टेम्परेचर ही था. आरपीएम सीवीटी का ही है. देखो ये तुम्हारा ट्रांसमिशन का. अच्छा ये ट्रांसमिशन टेम्परेचर. तो यार मेरे को तो देखो यही है, ये डिवाइस भी काफी अच्छा लगा. मतलब काफी फैसिनेटिंग है यार. हाँ, यार हम लोग फास्ट एंड द फ्यूरियस और नीड फॉर स्पीड की देखते हुए खेलते हुए बड़े हुए हैं, तो हमारे लिए तो ये मैं भी वही बड़ा. नहीं हम मैंने वो हमारे लिए ही बोला. अच्छा, ठीक है. तो वैसे थोड़े स्टोन एज से आते हैं ये. नहीं जस्ट फॉर फन. बट ठीक है यार, विंड बूस्टर का जो ट्रायल था मेरा वो आज टू माई सेटिस्फेक्शन मैंने नंबर्स में देख लिया है. नंबर्स जो मैं फील करता था वो तो डेफिनेटली था ही था. गाइस तो जो आपने टेस्ट देखे हैं वो ये थे हमने इस पे ट्रेल ब्लेजर में. एंड हमेशा की तरह वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो, इफ़ यू फील कनेक्टेड विद दिस तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना. चलो टिल देन सी यू द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.